तो गाइस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और इसमें क्या बोला गया है 19 क्वेश्चन में कि 200 लॉग्स हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर, कैसे रखे हुए हैं कि पहले आपका 20 है, फिर आपका 19 है, फिर आपका 18 है, फिर आपका 17 है, ऐसे करके डैश डैश। अब कितने हमें नहीं पता है, तो इन्होंने क्या बोला है कि शुरू में हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स, टोटल 200 लॉग्स मतलब कि SN की वैल्यू 200 है, तो आप सोचिए कितने जो लॉग्स हैं वो आपके टॉप रो में होंगे और कितने तरीके से उसको, मतलब हाउ मैनी रोज, कितनी रोज चाहिए हमें, यहाँ पे रोज से ही मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है, और ऐसे बोला है कि हाउ मैनी लॉग्स, तो इसमें हमें हाउ मैनी लॉग्स बोला है तो हमें एन की वैल्यू भी निकालना है कि जो लास्ट में नंबर है वो कितना होगा। चलिए तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 20 और डी की वैल्यू क्या होगी 19-20 मतलब कि -1। SN का फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा आपका एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है ना। तो SN तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है 200, n हमें नहीं पता है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी 20 है, और n की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर n को n ही लिखेंगे माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है -1 है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 200 ऐसा ही रहेगा, n बाई 2 ये कितना हो जाएगा आपका, ये 40 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ये 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 400, और ये n इंटू ये हो जाएगा आपका 41 माइनस n, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 41n माइनस n स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्या है ये आपको मैं इस तरफ लाऊंगा तो n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 41n माइनस का हो जाएगा, और 400 है तो यहाँ पे पहले से ही प्लस का था बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके दो तरीके, या तो हम फॉर्मूला मेथड यूज़ कर लें या फिर सिंपल ऐसे ही यूज़ करें। तो मैं सिंपल ऐसे ही बता देता हूँ कि देखेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का है, इसका मतलब है कि जो दो नंबर हम देखेंगे वो दोनों ही माइनस माइनस के होंगे तभी जाके वो प्लस होंगे मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई करने में आपका 400 आए और ऐड एड करने में 41 आए, तो 16 और 25 जो होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 और ऐड करोगे तो 41। तो n स्क्वायर माइनस का 25n पहले लिखना है, फिर छोटा नंबर बाद में लिखना है, प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ पर n कॉमन लेंगे इनमें दोनों में से, क्या बचेगा n माइनस 25, यहाँ से माइनस 16 कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 25 ही बचेगा बराबर 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0, तो n माइनस 25 बराबर 0 और n माइनस 16 बराबर 0, तो n इक्वल्स टू 25 और n इक्वल्स टू 16 आ गया। अब इन दोनों में से सही कौन सा है अभी समझ लेते हैं। जरा आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे चालू ये 20 से हुआ, टोटल 200 लॉग्स हैं, तब आप एक ध्यान से देखो कि अगर 25, अगर टोटल टर्म्स 25 हो जाएं, तो आप ध्यान से कोई 20 है, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करते करते एक टाइम बाद ये जीरो पे पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पे 20 है, तो फिर इसके बाद माइनस में लॉग्स थोड़ा ना पॉसिबल है कि -1 -2 में रखे होंगे, तो इसलिए n की वैल्यू 25 पॉसिबल है, क्या n की वैल्यू 16 पॉसिबल है। और अभी चूंकि हमें an निकालना है तो हम यहाँ से भी पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि अगर n की वैल्यू 25 रख के देख लो तो अगर an में वो पॉसिबल है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू आपका 16 है, और d की वैल्यू कितनी है -1, तो जाएगा 20, देखिएगा 15 बचा तो माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा ये 5। तो लास्ट में जो लॉग रखा है वो लास्ट वाला लॉग 5 लॉग्स रखे हुए हैं। अगर मैं चलो सपोज़ कि 25 ले लेता तो क्या होता, ए की वैल्यू 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये 20 है माइनस का 24, तो मतलब माइनस का 4 आ रहा है ए एन, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि माइनस में लॉग्स थोड़े ना हो सकते हैं, इसलिए आपका एन की वैल्यू 16 ट्रू है। ठीक है गाइज, तो ये था सिंपल सा आंसर।